बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। देश में शिक्षा का बेड़ा गर्क हो रहा है, देश विश्वगुरु बनने की श्रृंखला में खड़ा है, ऐसा पीएम मोदी लगातार दावा कर रहे हैं। लेकिन सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे दिखाई देती है। शासकीय माध्यमिक शाला गोराखुर्द, जिला सागर, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इस बात का प्रमाण बनी हुई है। पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाने के बावजूद गोराखुर्द के विद्यालय में पसरी गंदगी पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पानी फेरती दिखाई दे रही है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए भले ही हाई स्कूल विद्यालय खोल दिया, लेकिन सरकार शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक नियुक्त नहीं कर पाई है। प्राइमरी और माध्यमिक शाला के शिक्षकों द्वारा हाई स्कूल शाला में सेवा ली जा रही है। 7 न्यूज के संवाददाता एस एन कुर्मी ने विद्यालय की शिक्षा स्तर को चेक किया तो सबकी पोल खुल गई। एक तो हमारे स्कूल में सरकारी टीचरों की सर कमी है और जो गेस्ट टीचर हैं वो हाई स्कूल में अभी नियुक्त किए गए हैं। अब उनको नए शिक्षा मंत्री का मालूम नहीं है, जबकि वो शायद वर्तमान में एक बार हड़ताल भी कर चुके हैं, तो मेरी भी समझ से परे है। लेकिन बच्चों को सर बराबर बताया गया है कि शिक्षा मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये सब उनको जानकारी हम साप्ताहिक बाल सभा भी होती है सर, उसमें भी थोड़ा जी के अपन जनरल नॉलेज के बारे में देते हैं। बाकी सांस्कृतिक प्रोग्राम जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के हिसाब से जरूरत होती है ऐसा उतना अपन कोशिश करते हैं सर, स्टाफ की कमी के बावजूद। ये तो सर अभी शिक्षक कितने हैं उपलब्ध शाला में? सर 1 से 5 तक सर 5 6 टीचर हो गए, 1 से 5 तक सर 6 टीचर हो गए और 6 से 8 तक 2 मात्र हैं। और हाई स्कूल में सर कोई टीचर नहीं है, मिडिल स्कूल और प्राथमिक स्कूल से सहयोग लेकर हम लोग चला रहे हैं। तो इस संबंध में क्या आपने कोई सूचना लिखित में दी कि हमारे यहाँ शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाए, शिक्षक नहीं है? सर ये तो शासन स्तर की समस्या, हम लोग बार बार लिख के भी हर वर्ष देते हैं और अभी 2-3 दिन पहले दिया गया है डीओ सर को, जो मॉनिटरिंग एक प्रपत्र गया है उसमें शिक्षक विहीन और शाला विहीन दोनों सर मुद्दे लिख के दे दिए। और सर ये बताएं हमारे लिए, जो आपकी जो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग भी सर जर्जर पड़ी है, ऐसे में बच्चे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं, उसकी जलन वगैरह गिर रही है बच्चों के ऊपर से, इसमें आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? सर मैं 2013 में यहाँ ज्वाइनिंग हुआ था सर, उस समय श्री आर पी राय प्राचार्य माने प्रधान अध्यापक थे MS के, उस समय हाई स्कूल नहीं थी सर, उसके बाद वो 15 में चले गए थे, तो 15-16-17 तक लगभग आधे समय तक मैं रहा, तो मैंने समिति के माध्यम से भी भाई सुझाव रखे कि बिल्डिंग जर्जर हो रही है, दिन पर दिन हो रही है, इसका कुछ किया जाए। तो मैंने अपने स्तर से कम 4-5 बार BRC PO वगैरह को मैंने लिखित में शिकायत की है, वो आज भी सर हमारी पुरानी डाक में देखा जा सकता है, ढूंढना पड़ेगी। उसके बाद सर गांव के कुछ 1-2 जागरूक लोगों ने 181 पर शिकायत की, तो उसके बाद क्या है सर अभी 1,00,000 रुपये इसी सत्र में राजपाल राय प्रधान अध्यापक थे जब उस समय आए थे सर, वो 1,00,000 रुपये खाते पड़े हैं। लेकिन सर आप हालत देख लें, वो 1,00,000 में बिल्डिंग कलर वर्क नहीं हो सकता, उसमें करीब 2,00,000 से तो कम लगेंगे नहीं सर। अब आप ये बताएं सर कि क्या शिक्षा करने, हाँ सहयोग कर सकता है, बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे हमारे हैं 10-20 हज़ार 5 हज़ार रुपये, तो हर कोई कर सकता है, जनभागीदारी से उतना जन सहयोग नहीं मिल पाएगा सर 1,00,000 रुपये। पूरे देश में मात्र मूर्तियों में पैसा लगाया जा रहा है, शिक्षा के सुधार के लिए सरकारों पर बजट दिखाई नहीं देता,
स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा को छोड़कर सरकार है मूर्तियों में आम आदमी के धन और राजस्व को खर्च करने में लगी हुई है। यही कारण है कि शिक्षा का स्तर उठने का नाम नहीं ले रहा है। 7 इंडिया न्यूज के लिए मध्य प्रदेश सागर जिला से SN कुर्मी की रिपोर्ट।